दोस्तों ये लूज शॉर्ट कटिंग है, ठीक है, जिसको हम लोग बैगी के नाम से जानते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो शॉर्ट काटना सीख जाओगे, लूज शॉर्ट काटना सीख जाओगे। इसका चेस्ट जो है 40 है। तो चलिए कटिंग को स्टार्ट करते हैं, और मेरे चैनल पर इसी तरीके से वीडियो देखते हो सीखते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए आप सभी को आज लूज शॉर्ट काटना सिखाते हैं। तो ये रहा मेरा एल स्केल और ये रहा स्टेट स्केल। तो मैं कैमरा को डाउन कर दूँ, फिर तो आप लोग देख पाओगे। ये रहा मेरा सारा सेटअप, ये देखिए। सबसे पहले यहाँ से मैं सीधा एक स्ट्रेट निशान लगाऊंगा। ये जो मेरे मार्कर लग रहा है ना, मार्कर वाला पार्ट पे मेरा बटन पट्टी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं बावा साइड से कटिंग कर रहा हूँ। ये मेरा बावा हाथ है, ये दहिना है। दहिना से कटिंग करोगे, इधर से भी कटिंग कर सकते हो, बट इधर से कटिंग करोगे सारा मार्कर जो है पॉकेट वाला साइज पे, जो पॉकेट लगता है बावा साइड, उधर को आ जाता है। तो कारीगर बोलता है कि नहीं, आप बावा साइड से कटिंग करो ताकि जो मार्का आप जागे ज्यादा करके उठाते हो वो अच्छा रहे। तो यहाँ से एक सीधा निशान की इस तरीके से लगा लेंगे, ये देखिए सीधा निशान लगा लिए। इसके बाद इधर से ये देखिए, यहाँ से शोल्डर जो डाउन करेंगे वो करेंगे 2 इंची का, इसको हम सीधा एक निशान लगा लेते हैं। ये मेरा शोल्डर डाउन का हो गया। और सबसे पहले किनारी पीस को हम मरका लगा देते हैं, ठीक है। किनारी पीस हम 2 इंची इधर से छोड़ेंगे। ये 2 इंची इसलिए छोड़ते हैं जिसमें काज पट्टी और बटन पट्टी आसानी से बन जाए। तो यहाँ से इसको इस तरीके से सीधा निशान एक लगा लेंगे। ये निशान लगा रहे हैं जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को उन लोगों पर शेयर करना जो सिलाई सीखने के लिए चाहते हैं, या जो टेलर मास्टर है सिलाई है, वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, तो उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि लूज शॉर्ट कटिंग वो सीख जाए, या कोई प्रॉब्लम होगा तो उसे सोल्यूशन कर पाए। तो इसका लेंथ यानी कि लंबाई, ये देखिए यहाँ से हमने इंची टेप रखा और इसका लंबाई पे मार्कर लगाएंगे। इसका लंबाई 26.5 है, तो ये रहा मेरा 26.5, ठीक है, 26.5। इससे आधा इंची नीचे एक बढ़ा लेंगे, सिलाई का मार्जिन छोड़ देंगे। ऊपर से जो मेरा तीरा सिलाता है ना यहाँ पे, वो आधा इंची हम बढ़ा दिए। इसके बाद नीचे से मोड़ने के लिए बैगी शॉर्ट में 1.5 इंची के मार्जिन देते हैं, 1.5 इंची का, ठीक है, ये भी हम लगा दिए। इसके बाद आते हैं चेस्ट, सीना। सीना इसका है 40, तो 40 का हम 4 भाग करेंगे तो आएगा 10। इसमें से आधा इंची को हम ऊपर को उठा देंगे, यही फिटिंग रहता तो 1 इंच ऊपर उठ जाता, तो ये आधा इंच ही ऊपर को उठाएंगे क्योंकि ये लूज शॉर्ट है, परफेक्ट। और यही लूज शॉर्ट में ही अगर 40 ऊपर आ जाए, 42 आ जाए, 41 आ जाए, तो ये 1 इंची उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से इसको सीधा निशान इस तरीके से एक लगा देंगे, और इसको भी इस तरीके से सीधा निशान यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद आते हैं सीने पे, तो इसका जो चेस्ट है जो 40 है, तो ये देखिए यहाँ से परफेक्ट हम 10 पे यहाँ से मार्का लगाएंगे, ये देखिए 10 पे। और इसके बाद 2 इंची का इसमें लूजिंग दे देंगे, बैगी शॉर्ट में लूजिंग 2 इंची देते हैं, और जिसको पेट ज़्यादा निकला हो उसको 2.25 इंच 2.5 इंच दे सकते हो, परफेक्ट। ये देखिए यहाँ से 12 है, तो यहाँ से भी 12 इस तरीके से सीधा निशान लगा देंगे। इसमें कोई शेप वगैरह नहीं होता है, और ये स्ट्रेट रहा तो स्ट्रेट इस तरीके से मरका लगा लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। और सीने से जैसे कि सीना 40 है, पेट 44 है, तो पेट के अनुसार शॉर्ट कटिंग होगा जिसमें लूजिंग 1.5 इंची दिया जाता है। और यहाँ से ये देखिए यहाँ से 1 इंची माइनस कर लेंगे, आप 1.5 इंच भी माइनस कर सकते हो। और इसका जो कॉलर है दोस्त, ठीक है, सबसे पहले कॉलर समझा देते, कॉलर 15 है, तो 15 में 5वां भाग लगता है, ठीक है, तो 5वां भाग लगेगा, 3 आएगा, 3 में से हम क्या करेंगे, 1/2 इंची माइनस कर लेते हैं इस तरीके से सिर्फ फ्रंट में, और यहाँ से इसको इस तरीके से एक मरका लगा देते हैं। अब देखते हैं इसका तीरा यानी कि शोल्डर कितना है, शोल्डर 18 है, तो ये देखिए 9 इंची पे रखे और शोल्डर का मरका लगा दिए, और 1/2 इंची सिलाई का ये मार्जिन लगा दिए। अब इसको यहाँ से ऐसे रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे जो हमने यहाँ से 1.25 इंची इधर पर किया है। अब यहाँ से डॉट डॉट करके इस तरीके से हम आर्म होल को राउंड कर देंगे। ये मेरा मरका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से शोल्डर को इस तरीके से आप डाउन कर दो, यहाँ पे कॉलर आप लिख दो 15, ठीक है, ये 15.5 है, और इसमें जो कफ लगेगा दोस्त वो लगेगा 9.25, तो ये देखिए 9.25 यहाँ पर लिख दिए, या 9.5 भी लगा सकते हो, और जिसका है उसका नाम लिख देंगे, तो इसका नाम कासिम है, तो कासिम
लिख दिए। नंबर जो है मेरा 12 22 है रजिस्टर नंबर, ठीक है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से अब इसका बैक वाला कटिंग करेंगे। ये कटिंग करने के बाद वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्त। इस तरीके का वीडियोज आपको शायद ही YouTube पे मिलता होगा, क्योंकि हर का थोड़ा डिफरेंस होता है फॉर्मूला और समझाने का तरीका। मेरा समझाने का तरीका आप सभी को कैसा लगता है ये भी जरूर बताना। अगर अच्छा नहीं लगता होगा तो हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से इसको हमने हालर कटिंग कर दिया, यहाँ से शोल्डर को डाउन कर दिया। अब यहाँ से आर्म होल को यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे। और ये देखिए फ्रंट कटिंग कर दिया। अब इसका बैक पर बैक पल्ला कटिंग करेंगे। और दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करेंगे फिटिंग शॉर्ट का कटिंग, फिटिंग शॉर्ट का कटिंग हम जिसका मेजरमेंट कटिंग और उस व्यक्ति को पहना कर दिखाए हुए हैं कि ये शॉर्ट कैसा है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। क्योंकि आप सब काफ़ी कमेंट करते थे कि सर आप एक शॉर्ट बनाओ जिसका मेजरमेंट कटिंग और पहनाकर भी दिखाओ कैसा लगता है, तो आपका कमेंट हम पूरा कर दिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है फिटिंग शॉट का, आप जाकर जरूर देखें उसे। काफ़ी प्यार मिला है उस वीडियोस पे और आप सभी देखोगे तो जो भी प्रॉब्लम होगा सब सॉल्व हो जाएगा। ओके, उसमें सब फॉर्मूला बताए हुए हैं, डेढ़ इंची लूजिंग पे कितना फिटिंग होता है और सवा इंच पे कितना फिटिंग होता है और डेढ़ पे ही कटिंग करने से कितना फिटिंग होता है, हम सब बताए हुए हैं, तो जाकर एक बार जरूर देखें। अब देखिए ये बैक वाला का हम फोल्ड कर लेंगे, तो आखिर ये कितना चोला फोल्ड करेंगे भाई, ये तो फॉर्मूला होना चाहिए ना। तो ये देखिए सीने कितना है 40, तो ये किनारे पीस को छोड़ देंगे और यहाँ से 40 है तो 10 नापेंगे और दो इंची लूजिंग दिए हैं, ये 2 इंची लगा देंगे यानी कि 12। तो ये देखिए 12 पे हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए 12 पे फोल्ड हो गया। अब 12 पे फोल्ड होने के बाद इसे भी हम क्या करते हैं, कैसेट सीधा यहाँ से एक मार्का लगा लेते हैं। अब फ्रंट पल्ला, ये देखिए फ्रंट यानी कि आगे का पल्ला को इस तरीके से रखेंगे, तो इस तरीके से नहीं रख देंगे दोस्त, इसका कुछ फॉर्मूला है, कुछ नियम है, उसको समझ लेते हैं। ये जो मार्का लगाए हुए हैं ना, यहाँ पे हम 1.25 इंची का एक मार्का लगाएंगे, 1.25 इंची यानी कि 1 इंची में 2 सूत कम करके इस तरीके से हम मार्का लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से जो 2 इंची है ये 2 इंची इस तरीके से रहेगा और इस मार्का पर ये 2 इंची को हम इस तरीके से लगा देंगे। और ये जो 1.25 इंची हम लगाए हुए ना, ये 1.25 इंची मेरा बाहर को निकल आएगा। ये देखिए ये 1.25 इंची कपड़ा मेरा इधर को निकलता है एक्स्ट्रा। ये देखिए यहाँ पे गैप के कारण आपको मालूम चलता होगा कि ये कपड़ा इधर को निकला हुआ है। बैक पल्ला जो है फ्रंट से कम रहता है चौलाई में, तो ये देखिए इसीलिए 1.25 इंची हम बाहर को निकालिए इस मार्का से। अब देख सकते हो ये मेरा मार्का हो गया, ये देखिए देख रहे हो ना, ये मार्का हो गया, इतना हम निकाले हुए हैं बाहर को 1.25 इंची। अब यहाँ से ये देखिए ये जितना गैप है ना 1.25 इंची, यही 1.25 इंची हम यहाँ से बढ़ा कर ये मार्का लगा देंगे, ये फॉर्मूला है। दूसरा यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कितना है 9.5, तो ये देखिए यहाँ से 9.5 इस तरीके से, यहाँ से 9.25 है सॉरी, तो 9.25 यहाँ से इस तरीके से मार्का एक लगा देंगे, ठीक है। और ये जो मेरा मार्का है ना ये वाला, यहाँ से अब 2 सूत आगे की तरफ बढ़ा कर और इसको इस तरीके से मार्का लगा सकते हो, परफेक्ट। अब यहाँ से इस तरीके से राउंड कर देंगे। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं, फिर जो है इसका तीरा स्लिप्स रह जाएगा वो कटिंग करके दिखाएंगे। तो वीडियो पर इसी तरीके से बने रहे ताकि कोई भी पार्ट आपसे छूटे ना और अच्छे तरीके से आप सीख जाए, और सीखे भी हैं तो वीडियो देख के आप कन्फर्म हो जाएंगे कि हाँ सेम इसी तरीके से मैं कटिंग करता हूँ। या आपका फॉर्मूला कुछ और है तो अभी कमेंट करके आप जरूर बताना दोस्त कि आपका क्या फॉर्मूला है, क्या हम आपसे मिलता जुलता ये फॉर्मूला जो हम बताए गए सही है या इसमें आप सभी को कुछ रॉन्ग लग रहा है तो भी कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट कर सकते हैं, यानी कि अपना राय जरूर दें। अपना राय कब देंगे, जब वीडियोज को कंप्लीट देखोगे तभी, ओके। और ये देखिए ये रहा मेरा कटिंग कंप्लीट बैक और फ्रंट का। अब कटिंग करेंगे स्लीव्स।
ये देखिए, तो ये हेवी साइज का है, तो सिंगल सिंगल पल्ला का जो है हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से तिरछा फोल्ड करेंगे, ये देखो ठीक है। ये तिरछा कितना फोल्ड होना चाहिए ये भी एक फॉर्मूला है। 40 चेस्ट है, 40 का 4 से भाग देंगे तो ये 10 आएगा, ये देखिए ठीक है 10 आया। तो 10 से हल्का ज़्यादा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ज़्यादा ही रखे इस तरीके से, 10 है तो 10.5 इस तरीके से रख देंगे ताकि कोर वगैरह सब निकल जाए, कोई भी डाउट ना हो। ये देखिए इस तरीके से एक निशान लगा दिए, यहाँ पे किनारी पे इस पर एक मार्का लगा देंगे। यहाँ से हम डाउन करेंगे 4 इंच, ठीक है स्लीव्स को डाउन करेंगे 4 इंच, और इसका स्लीव्स यानी कि स्लीव्स का लंबाई जो है इसका 23 इंच है। तो ये देखिए 23 इंच में यहाँ से फिक्स 23 इंच पे रख दिए, और यहाँ से आधा इंची कम करके ये हमने मार्का लगा दिया, आधा इंची कम करके। अब इसको सीधा निशान किस तरीके से लगाएंगे, तो ये एल स्केस लगाएंगे, ये एल स्केस आ रहा हम, ये देखिए सीधा इस तरीके से निशान लग जाएगा, ये रख दिया इस तरीके से, और इसको जो है सीधा इस तरीके से। अब आइए यहाँ पे जैसे कि 9.5 लगाना है मुझे, तो यहाँ से ये देखिए 9.5 लगाना है, 9.5 का हिसाब क्या होगा दोस्त, 5.5 इंची में 2 सूत कम, ठीक है ये रहा। अब यहाँ से 1 इंची सीधा इस तरीके से मार्कर बढ़ा देंगे कंप्लीट, और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो मेरा माइनस किए थे आधा इंची, तो कितना हुआ था 9.5, ठीक है 9.5 होगा। तो ये देखिए 9.5 यहाँ हुआ, तो यहाँ से 1 इंची हम बढ़ा लेंगे, तो ये 10.5 में इस तरीके से करेंगे मार्कर, ये लगा देंगे परफेक्ट। और ये बैगी है, तो बैगी के लिए ये स्केल आता है, ये स्लीव्स का इस तरीके से हम मार्कर लगा लेंगे। अब जांचेंगे कि ये मेरा सही लगा है या नहीं लगा है, ये कम बेसी हो सकता है ना, तो यहाँ से इस तरीके से नाप लेंगे, ये देखिए ठीक है, ये देखिए 9.5 परफेक्ट आ रहा है, जितना आप लगाए हो उतना ये परफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ से इसको इस तरीके से डॉट डॉट करके इस तरीके से सेम शेप दे देंगे। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं, ये मेरा बैक का हुआ, फ्रंट में जो डाउन होता है ना, फ्रंट में इस तरीके से ये डाउन होता है, इसको कटिंग करके आप सभी को दिखा दें। इसी मार्का के ऊपर हम कटिंग कर देंगे, 1 इंच जो हम एक्स्ट्रा इसमें दिए हैं ना, तो आधा इंच सिलाई के हो गया, आधा से 1 सूत कम ही सिलाता है, और इसमें जो है लूजिंग हो गया मेरा आधा से 1 सूत ज़्यादा परफेक्ट। ये देखिए इसमें टेकिंग भी आ जाएगा। अब इसको फ्रंट के लिए यहाँ से इस तरीके से झाड़ देते हैं, अब देखिए यहाँ से इसको यहाँ से निकालेंगे स्लीप, दूसरा स्लीप जो है यहाँ से निकालेंगे, ये देखिए अच्छे तरीके से बैठाने के बाद यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे, सेम जैसा है उसी तरीके से सेम कटिंग करेंगे। बीच का यहाँ पे एक कुटका लगा देंगे, ये देखिए अब जो है चाक पट्टी कटिंग करेंगे, इसको सराह कर देख लेते हैं कैसा लगता है। ये देखिए जो हम झाड़े हुए हैं इस तरीके से है, अब देखिए इसका बैक पल्ला को हम झाड़ते हैं, सॉरी बैक साइड में जो चाक कटिंग होता है। यहाँ से जो मार्कर लगाएंगे वो लगाएंगे 6 इंच का, और यहाँ से इस तरीके से डॉट डॉट ये मार्कर दे देंगे। अब यहाँ से कटिंग कर लेंगे,
आप जो है तीरा कटिंग करते हैं, यहाँ से ऐसे मार्कर एक लगा दिए, रेड कलर का लगा दे ताकि आप सभी को दिखेगा अच्छे तरीके से। और ये देखिए यहाँ से तीरा जो है इसका 18 है, तो ये आया मेरा 9 से 1 इंच ज़्यादा। इस तरीके से मार्कर लगाएंगे और इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ये फोल्ड हो गया। फोल्ड होने के बाद यहाँ से एक सीधा सा एक निशान लगाएंगे, इस तरीके से सीधा एक निशान लगाएंगे। इसके बाद इसका हाइट लगाएंगे, तो हाइट का कुछ तो फॉर्मूला होगा। तो हाँ फॉर्मूला है, सीने का 8वां भाग, 8 का 8, 8 16 18 24 68 32 8 5 40, 5 मरतबे में 40 आया, ठीक है। और सिलाई का मार्जिन इसमें 0.25 इंच प्लस कर देंगे, तो ये 5 आया और ये 0.25 इंच हाइट कर दी सिलाई का मार्जिन। 1.5 इंच जो है डाउन किए हैं हालर के लिए, और यहाँ से 3 इंची पे ही 3 इंची में एक सूत कम करके इस तरीके से मार्का लगा देंगे। और ये यहाँ से इस तरीके से एक मार्का लगा देंगे। ये देखिए एक फॉर्मूला हो गया। और यहाँ से जो हम मार्का लगाने वाले हैं दोस्त, ध्यान से देखिए, तो 9 × 18 हो गया, 1/2 इंची सिलाई का मार्जिन, यानी कि 9.5 पे इस तरीके से मार्का लगा दिए। और यहाँ से हाइट जितना है तो हाइट यहाँ पर सेम उतना ही रख दिए, और यहाँ से 2 इंची डाउन किए थे तो इसमें 0.25 इंची हम डाउन कर दिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ से 9.5 है, तो यहाँ पे जो आएंगे तो यहाँ से हम 2 सूत बढ़ा देंगे और ये मार्कर लगा देंगे। और ये जो है तीरा मेरा कुछ इस तरीके से हल्का कर्व यानी कि तिरछा हो जाता है, क्योंकि ये हालर जो है इसमें बढ़ जाता है। बैक तीरा में फिक्स कटिंग होता है, फ्रंट में 1/2 इंची कम कटिंग होता है, क्योंकि इसमें झड़ जाता है, इसमें नहीं झड़ा जाता है, ये फिक्स कटिंग होता है। और यहाँ से हल्का इसको हम राउंड इस तरीके से कर देते हैं। और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप जो है लूज शॉर्ट कटिंग सीख गए होंगे, या कोई प्रॉब्लम होगा तो अभी सलूशन हो गया होगा। तो ये सब कुछ हुआ है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जुड़ जाए। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, फ्री में सब्सक्राइब करते हो, फ्री में सिलाई सीखते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आप कॉमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर करें उन लोगों के पास जो सीखना चाहते हैं सिलाई, वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग हमेशा हैप्पी रहा करो, खुश रहा करो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो बनता है, और कॉमेंट करके अपना राय ज़रूर देना, क्योंकि जब कमेंट करते हो, कोई भी कमियाँ निकालते हो, तो मैं उस कमियों को सुधारने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जो कमी हो उसको भी आप बता सकते हो, और अच्छा लगा हो तब तो कोई बात ही नहीं है, और जो नए लोग हो तो सिर्फ इसी तरीके से कटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग हमेशा हैप्पी रहा करो, खुश रहा करो, और इसी तरीके से भाई को प्यार दो यार, और सब्सक्राइब करो फटाफट, और अपने भाई का जो है व्यूज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यही कुछ नहीं, जो भी हकीकत है मैं तो आप सभी से बोल ही सकता हूँ।